और हमने सब कुछ कर लिया है। आज मैंने ज्यादा लॉन्ग जंप की वीडियो नहीं बनाई है और सीधे बॉल थ्रो की बना रहा हूँ। और हमारे साथ अंकित और बाकी भाई लोग बैठे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे मुंह पे मिट्टी ही मिट्टी पड़ी हुई है, तो लॉन्ग जंप का जो ट्रैक है उसमें मिट्टी पूरी सूख गई है। और हमारे साथ ये छोटा भाई भी है गोलू, इसका नाम है प्रियांशु। तो अभी हो रहा है बॉल थ्रो, गोल गोल है, खा पी के मोटा हो रहा है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेहनत करते रहिए। तो गाइस बॉल थ्रो करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइन होगी उससे आगे नहीं जाना है, आपको लाइन तक ही जाना है और उससे पैर आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फॉल हो जाएगा और वो काउंट नहीं होगा, चाहे वो आपने 80 मीटर ही क्यों ना फेंका हो। और शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे अंकित भाई जो कि 50 जाने के लिए जूझ रहे हैं अभी और मेहनत कर रहे हैं डेली। तो मेहनत करना मत छोड़िए, चलो और शुरुआत। और आज भी इनका 50 मीटर नहीं गया है, तो इनके साथ कभी बैठकर ये बात करनी पड़ेगी कि इनका क्यों नहीं जा रहा है। तो आज बता ही दीजिए कि क्या हो रहा है, कहाँ कमी आ रही है, आप बताइए। तो अरे मुझे खुद पता लगता तो मैं कमी पूरी नहीं करता। अरे तू बता यार कहाँ कमी आ रही है। पूरे हाथ घूमो ना भाई, पूरी ताकत मार यार। तू तो 50 मीटर उतनी ताकत चाहिए नहीं यार, और इस बार भी 50 नहीं गया यहाँ पे। सो गाइस ये है राहुल खंडूरी और अब राहुल की बारी है बॉल थ्रो की। तो ये 70 प्लस है गाइस, तो 70 में ही तुम्हारा एक्सीलेंट है बॉल थ्रो। मैं बता नहीं रहा कि कैसे करें, तो आप उनसे वार्तालाप करें, दो मिनट आपकी बैठक करी जाए। और अभी बारी है रिशु की। अरे इसका हाथ यहाँ पे घूम गया है और बॉल ऊपर चली गई भाई साहब 51, और फिर भी ये क्वालिफाई हो गया है। और ये तो बहुत ही कम गया, सीधा फेंकने की कोशिश कर रहा है। अभी आ गया है अनुज, ये इस बार काफी जोश में लग रहा है, लगता है इस बार रेड बुल खा के आ रखा है, कुछ पी के आया है। और यहाँ पे अनुज थ्रो कर रहा है और ये लाइन से आगे गया है, तो थ्रो के समय ये ध्यान भी रखना है कि लाइन से आगे नहीं जाना है, नहीं तो काउंट नहीं होगा वो, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और थ्रो ये 65 मीटर का था। यार 60 से भूलो कति का भाई। और यहाँ पे 60 प्लस ये थ्रो रहा, जहान में फरण क्या भाई। तो और यहाँ पे अनु जा रहा है यहाँ पे लॉन्ग जंप लगाने, और यहाँ पे आज पता नहीं इसको क्या हो गया है, और पता नहीं इसको क्या हो गया है आज ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। और